आप सभी को प्रणाम। आलोक मेरा नाम और आप तक अच्छी जानकारी पहुंचाना है मेरा काम। तो आज इस वीडियो में दोस्तों मैं आपके लिए लेके आया हूँ काफ़ी अच्छी और बड़ी खबर यहाँ पे, जो सुनकर आपको थोड़ी सी स्माइल आपके फेस पे जरूर आएगी। तो ये अच्छी खबर जानने के लिए आपको वीडियो लास्ट तक देखना है। लास्ट तक देखेंगे तो आपको डेफिनेटली अच्छी खबर जरूर इस वीडियो में सुनने को जानने को मिल जाएगी। तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। एम करते हैं दोस्तों इस वीडियो पे हम दोस्तों यहाँ पे 700 लाइक्स के। उम्मीद करते हैं आप इस वीडियो को 700 लाइक तक ज़रूर पहुँचा देंगे। आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, क्योंकि मैं आपके लिए रोज़ाना ऐसे रिसर्च करके डेली वीडियो बनाता हूँ दोस्तों। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो यहाँ पर दोस्तों जो खबर निकल के आई है, ये दोस्तों ऐसी खबर है, यहाँ पर आपको ये रिलीफ ज़रूर देगी। क्यों रिलीफ देगी? क्योंकि दोस्तों जो ड्राइविंग लाइसेंस बनता है उस पे दोस्तों आप ऑनलाइन तो आप आवेदन कर सकते हैं, ये तो हम आप जानते ही हैं कि आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं ड्राइविंग लाइसेंस के लिए, अपने कंप्यूटर से, लैपटॉप से या फिर साइबर कैफे विजिट करके आप आवेदन तो कर सकते हैं लर्निंग लाइसेंस के लिए। लेकिन टेस्ट देने के लिए आपको जाना ही जाना पड़ता है RTO ऑफिस में, वहीं पर टेस्ट होता है आपका। तो वहाँ पर आपका टाइम, मनी, सब कुछ वहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम आप सफ़र करते हैं यहाँ पर। तो ऐसे केस में ये जो खबर है ये दोस्तों आपके लिए स्माइल कैसे आएगी? देखिए, अब आपका जो टेस्ट होगा वो घर बैठे आप अपने कंप्यूटर पर या फिर अपने मोबाइल स्क्रीन पर दे सकते हैं। अच्छा लगा ना आपको? आपके चेहरे पर कुछ स्माइल तो आई दोस्तों? यही मैं बताने वाला था इस वीडियो में कि अब आप घर बैठे ऑनलाइन फॉर्म भी फिलअप कर पाएंगे और साथ ही साथ दोस्तों आप उसके लिए टेस्ट भी दे पाएंगे अपने कंप्यूटर स्क्रीन से या फिर मोबाइल से ही आप टेस्ट दे सकते हैं। जी हाँ, माइक्रोसॉफ्ट दोस्तों ऐसी कंपनी है जिसका तो आप नाम सुना ही होगा। माइक्रोसॉफ्ट दोस्तों वहाँ पे अपने इंडिया की बात करें या फिर वर्ल्ड में सबसे नंबर वन है दोस्तों वहाँ पे कंप्यूटर के सेक्टर में, IT सेक्टर में, कंप्यूटर सेक्टर में ये बहुत बड़ी जानी मानी कंपनी है। तो माइक्रोसॉफ्ट ने ऐसे तकनीकी का वहाँ पर खोज कर दिया है। मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने उनसे अटैच करके काफ़ी सारे वहाँ पर इंजीनियर्स को बुलाकर दोस्तों इस पर एक बातचीत की थी कि ऐसा कोई सॉफ्टवेयर बनाया जाए जिससे दोस्तों आवेदन तो आप कर सकते हो सारथी से, वेब पोर्टल से, लेकिन टेस्ट देने के लिए आपको विजिट करना होता था। तो अभी दोस्तों उन्होंने इस पर चर्चा की, इंजीनियर्स को बुलाकर मीटिंग की, बाकायदा इस पर वहाँ पर डिस्कशन हुआ और माइक्रोसॉफ्ट ने दोस्तों अभी ऐसा ऐलान कर दिया है कि वो इस पर टेस्टिंग मोड में हैं। जी हाँ, ध्यान में सुनिएगा, वो इस ऐप को लेकर ऐप बना चुके हैं और इस पर टेस्टिंग मोड में हैं। ये जल्द ही आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा कि यहाँ पर आप घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई करेंगे और साथ ही साथ उसका टेस्ट जो होगा वो भी ऑनलाइन दे पाएंगे अपने घर बैठे या फिर साइबर कैफे या फिर अपने मोबाइल स्क्रीन से ही आप टेस्ट दे पाएंगे। तो इससे दोस्तों आपको RTO जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, घर बैठे आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, टेस्ट देंगे और लर्निंग लाइसेंस डाउनलोड भी कर लेंगे। हालाँकि लर्निंग लाइसेंस डाउनलोड तो अभी भी आप कर पाते हो और उसके साथ ही साथ दोस्तों आपको जो भी टेस्ट वगैरह देना पड़ता है इसी के लिए आप जाते हो RTO ऑफिस, अपने डॉक्यूमेंट को वेरिफिकेशन वहाँ होता है और वहाँ पे टेस्ट देना होता है। यही दो मेन काम होते हैं, इसी के लिए दोस्तों आप RTO ऑफिस जाते हो, इसी के लिए आप चक्कर लगाते हो, आपके पैसे भी बर्बाद होते हैं, आपका टाइम भी बर्बाद होता है। तो अब दोस्तों आपको ऐसा नहीं है, माइक्रोसॉफ्ट के जो इंजीनियर्स हैं उन्होंने दोस्तों ऐसे डेवलप कर ली है तकनीक और ऐप डेवलपमेंट हो चुका है ऐसा। हालाँकि इसमें आपको एक ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा गूगल प्ले स्टोर से, उसी पर आप RTO का जो ऐप होगा उसी से आप घर बैठे टेस्ट भी दे पाएंगे। ध्यान में सुनेगा, अभी ये जो टेस्ट जो होगा ऐसे ऐप पे वो अभी इनिशियल स्टेज में है, इस पर टेस्टिंग मोड में है, इस पर टेस्ट किया जा रहा है, अभी वो फाइनली लॉन्च नहीं हुआ ग्लोबली कि आप उसको डाउनलोड कर लें। जैसे ही वो आता है ऐप स्टोर या गूगल प्ले स्टोर पर वो ऐप जिससे आप घर बैठे टेस्ट दे पाएंगे, मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा, क्योंकि सबसे पहले ड्राइविंग लाइसेंस की न्यूज़ अच्छी और ट्रस्टेड खबर इसी चैनल पे आती है टेक्निकल आलोक जी पे। तो इसी बात पे वीडियो को लाइक करें और अगर नहीं अभी तक सब्सक्राइब किया तो आपने क्या किया, सब्सक्राइब जरूर करिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके रखिएगा, क्योंकि जैसे ही ये ऐप आता है सबसे पहले ताकि आपको जानकारी मिल जाए। अब मैं मिलता हूँ दोस्तों नए वीडियो में, लेकिन इस वीडियो को आपको काम क्या है, इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर भी सभी लोगों तक करना है, अपने फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, जो भी आप चलाते हो सोशल मीडिया हैंडल, सभी जगह शेयर जरूर करेंगे ताकि सब लोग को पता चल जाए कि ऐसी तकनीक आने वाली है दोस्तों कि आप घर बैठे टेस्ट दे पाएंगे। इसके ऊपर काम पूरा हो चुका है, बस इसको ग्लोबली लॉन्च करने की देरी हो रही है। तो जैसे ही लॉन्च होता है मैं आपको उसके ऊपर भी वीडियो बनाकर बताऊँगा। तो अब मैं मिलता हूँ नए वीडियो में नए टॉपिक के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।